नमस्कार दोस्तों, ये जो 24 दिसंबर 2019 को जूनियर इंस्ट्रक्टर वायरमैन का एग्ज़ाम है, ये अपन हल कर रहे हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, 8 बिट बनाता है 1 बाइट, मॉडेम किससे जुड़ा होता है? फोन लाइन से। संगणक में रैम पदार्थ बना होता है और चालक। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर। डीसी जनरेटर की आर्मेचर कोर प्रचलित क्यों करते हैं? भंवरदार हानि को कम करने के लिए। डीसी जनरेटर में आर्मेचर का क्रॉस मैग्नेटिक रिएक्शन कैसे कैसे निरस्त किया जाता है? जीएनए से एमएनए बुश की स्थिति स्थानांतरित करके। डीसी मोटर की चाल को बढ़ाने पर क्या होता है? बैक ईएमएफ बढ़ता है, धारा घटती है। स्थिर चाल मोटर के साथ स्टार्टर उपयोग करते हैं, 3 बिंदु स्टार्टर। डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, निम्न धारा उच्च सॉरी निम्न वोल्टता उच्च धारा के लिए। लोड गुणांक परिभाषित किया जाता है, लोड गुणांक बराबर होता है औसत लोड बटा उच्चतम लोड। छोटी मशीनों में योग बना होता है कास्ट आयरन। कम्यूटेटर खंड एक दूसरे से विद्युत रोधित होते हैं, माइका यानी अभ्रक द्वारा। एक डीसी जनरेटर में लैप कुंडली में समांतर पथों की संख्या होती है, लैप वाइंडिंग में होती है ध्रुवों की संख्या इंटू फ्लेक्स, जबकि इसमें यही ऑप्शन सही होगा, ध्रुवों की संख्या के समतुल्य। एक कैपेसिटी स्टार्ट इन कैपेसिटर मोटर में एक कला प्रेरण मोटर मूल रूप से 2 कला प्रेरण मोटर के समान होती है। एक कला मोटर व्यावसायिक रूप से निर्मित होती है, यह 5 HP तक की बनती है। एक पिंजर प्रेरण मोटर 50 Hz पर चल रही है, यदि आपूर्ति 60 Hz बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? निर्धारित चाल की 6/5 गुना तक चलेगी, यानी उसकी चाल बढ़ जाएगी। निम्न में से कौन सा सिंक्रोनस मोटर में हिंटिंग का कारण नहीं है? वायु घर्षण। सर्पीय वाले प्रेरण मोटर होती है उच्च आरंभिक टॉर्क वाली। एक मोटर में रेगने का कारण है मोटर में हार्मोनिक उत्पन्न होना। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन में वर्दी प्रतिबाधा को परिभाषित किया जाता है √L/C। एक केबल के चालक का आकार निर्भर करता है धारा का धारा के मान पर। परिपथ वियोजक में वितरण क्षमता को सामान्यतः MVA में दर्शाते हैं। संचरण लाइन की वोल्टता नियमन का आंशिक मान होना चाहिए, निम्न यानी बहुत कम होना चाहिए वोल्टेज रेगुलेशन का मान। तापीय पावर प्लांट की क्षमता को बढ़ाया जा सकता। अब देखो, इसमें चांसेस जहाँ तक यही होगा, उच्च भाप दाब का उपयोग करके। एक करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कुंडलन में लपेटन होते हैं, यानी कोई लपेटन नहीं होते, केवल एक ही चालक होता है, तो कोई फेरे नहीं होते हैं। 1/32 kV संचरण लाइन में इंसुलेटर डिस्क प्रकार के यानी सस्पेंशंस विद्युत रोधक। एक ताप शक्ति गृह में निर्गत गैसों को ऊष्मा की वसूली करता है, यानी जो फ्यूल गैसें होते हैं, फ्यूल गैसें उनका क्या करते हैं, तो उनका एक तो अति तापक में काम लेते हैं, इकोनोमाइजर में भी काम लेते हैं, और वायु को जो गर्म करते हैं उसमें भी काम में लेते हैं। तो इसमें ये दोनों ही सही हो रहे हैं, अभी कन्फर्म नहीं है कौन सा इसका सही मानेंगे वो। अगला है, किसी जातरंग एसी वोल्टता का शिखर मान 100 वोल्ट है, तो आरएमएस मान होगा, आरएमएस मान बराबर होता है शिखर मान इंटू 0.707, तो हो गया 70.7 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लो पास फिल्टर है? निम्न पास फिल्टर, तो इनमें देखते हैं तो ये सही है इसमें, यानी एल टाइप, जिसमें श्रेणी में एल और समांतर में सी लगा हो। अगला क्वेश्चन है, कौन सी युक्ति बुदोस से सुरक्षा प्रदान करती है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB, अस्थायी वायरिंग क्लिट, MCCB का पूरा नाम मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर, फ्यूज का संकेत है, ये सी वाला ऑप्शन सही है, फ्यूज का संकेत में। उच्च आवृत्ति पर कैपेसिटर कार्य करता है शॉर्ट सर्किट की भांति लघु परिपथ के तौर पर। एक आवेशी संधारित्र में ऊर्जा रहती है केवल उसके विद्युत क्षेत्र में। अगला है, संधारित्र C1 पर विभव होगा, यानी इस पर पूछ रखा है तो इसको हल करते हैं, ये तो यानी हल्की डायरेक्ट नहीं है, इससे भी हल कर सकते हैं। XC बराबर होना √2πfC, यानी कैपेसिटेंस के विलोमानुपाती होता है रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस के समानुपाती होता है कैपेसिटेंस सॉरी ये वोल्टेज, तो इसमें आ रहा है 200 वोल्ट, इसमें आ रहा है 100, तो इसका होगा 200 वोल्ट। एक संधारित्र में होते हैं
एक संधारित्र दो चालक प्लेटों से पृथक की गई युक्ति कैपेसिटर कहलाती है, तो इसमें हो गई दो चालक। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई है टेस्ला। सख्त चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग किया जाता है स्थायी चुंबक बनाने में। कौन सा नियम डीसी मोटर में लगने वाले बल की दिशा पहचानने के लिए, यानी डीसी मोटर में घुमाव की दिशा ज्ञात करने के लिए, फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम। अगला क्वेश्चन है, जब एक थ्री फेज संतुलित भार पर सप्लाई का कालानुक्रम उल्ट दिया जाता है तो क्या होगा? कलीय धारा का कोण परिवर्तित होता है लेकिन परिमाण नहीं। निम्न में से कौन सा शक्ति गुणांक मीटर को परिभाषित नहीं करता है, सॉरी शक्ति गुणांक को परिभाषित नहीं करता है। इसमें हो गया ये विभव तथा धारा के मध्यमान की कोण की ज्या, यानी साइन दे रखा है, तो ये इसमें नहीं है, बाकी सभी शक्ति गुणांक की परिभाषा है, तो ये हो गया डी। 908 आवृत्ति कहलाती है, 908 आवृत्ति ऑडियो फ्रिक्वेंसी कहलाती है, श्राव्य आवृत्ति, क्योंकि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति ऑडियो फ्रिक्वेंसी होती है, तो ये होगी श्राव्य आवृत्ति। एक विद्युत प्रेस में 230 वोल्ट 500 वाट 50 हर्ट्ज है, तो इसमें 230 वोल्ट क्या प्रदर्शित करता है, ये आरएमएस मान प्रदर्शित करता है, वर्ग माध्य मूल मान। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती विभव के आरएमएस मान तथा औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है, यानी आरएमएस और मान व औसत मान का अनुपात फॉर्म फैक्टर रूप गुणांक, और इसका मान 1.11 भी होता है। अगला क्वेश्चन है, 3 ओम मान के 3 प्रतिरोधक डेल्टा में संयोजित है, तो इसका तुल्य स्टार संयोजन का मान होगा, इसका गणना से निकालते हैं तो 1 ओम आ रहा है, तो इसका होगा 1 ओम। निम्न में से कौन सा लैंप एक वर्णीय प्रकाश देता है, सोडियम वेपर लैंप है, वो बहुत अच्छा यानी ये एक मोनोक्रोटिमेटिक प्रकाश देता है, तो इसमें हो गया सोडियम वेपर लैंप। सोडियम लैंप का प्रयोग किया जाता है ऑडिटोरियम के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर, यानी लेमडा पर, या जो कह सकते हैं तरंग दैर्ध्य, इस पर प्रकाश का रंग निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के डाटा प्रोसेसिंग का चरण का सही क्रम है, तो इसमें हो गया पहले डाटा इनपुट, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा संग्रह और आउटपुट। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर में ज़्यादा संख्या में पोल हो तो चाल घटेगी, एक प्रेरण मोटर की कार्य में शिल्प हमेशा प्रेरण जनरेटर के लिए शून्य, यदि किसी प्रेरण मोटर के 2 कलापस में परिवर्तित किए जाए तो मोटर विपरीत दिशा में चलेगी, एक ट्रांसफार्मर प्राथमिक और द्वितीय कुंडलन के बीच प्रतिरोध अनंत होता है, यदि ट्रांसफार्मर लोहानी 400 है तो उच्चतम दक्षता पर कार्य कर रहा है, तो ताम्रहानि भी 400 वाट होगी, क्योंकि उच्चतम दक्षता तभी होती है जब लोहानी और ताम्रहानि का मान बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, 2 ट्रांसफार्मर के समांतर संयोजन के लिए आवश्यक नहीं है कोई जो शर्त आवश्यक नहीं है, तो केवी रेटिंग समान होना कोई आवश्यक नहीं है, बाकी ऊपर वाली सही है। एक स्टार स्टार संयोजन में 3 फेज शिफ्ट होता है 0 डिग्री, यानी इसमें 0 भी होता है और 180 भी होता है, यानी एक तरफ के कनेक्शन विपरीत होता है, तो 180 का ऑप्शन भी नहीं है इसमें, तो 0 डिग्री है। प्राथमिक व द्वितीयक वोल्टता में अंतर होता है, देखो इनपुट वोल्ट और आउटपुट वोल्टेज के अंदर अंतर होता है 180 डिग्री का, तो ट्रांसफॉर्मर 180 डिग्री का कलांतर। ट्रांसफॉर्मर में कौन सा रसायन ब्रीदर के रूप में प्रयोग किया जाता है, सिलिका जेल। एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडलन प्रतिरोध RS है तथा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K है, तो द्वितीय का प्राथमिक के और तुल्यकारी प्रतिरोध होगा, तो इसको यानी हल करके देखते हैं तो ये सही हो रहा है इसका, RS/K². अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में कौन सी जांच नियमन दक्षता तथा तापन की जानकारी देती है, बैक टू बैक परीक्षण। ट्रांसफार्मर की कोर बनाने में पदार्थ तो प्रयोग किया जाता है उच्च सिलिकॉन स्टील। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग होती है। कौन सा प्रणामित्र में तेल का कार्य नहीं है, प्रेरण युग्म का प्रदान करना। प्रणामित्र में लौ हानि पाई जाती है कोर में। केबल में वोल्टता तनाव अधिक चालक की कोर पर। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस नियम के संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। एक सीधे चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, अनुप्रस्थ काट के आकार पर, यहाँ क्षेत्रफल दिया होता है तो इसी पर भी निर्भर करता है, क्योंकि पदार्थ की किस्म पर निर्भर करता है, तापमान पर भी निर्भर करता है, लंबाई पर भी करता है, और कटाक्ष क्षेत्रफल पर करता है, तो यहाँ देखो अनुप्रस्थ काट का आकार दे रखा है, शेप ऑफ क्रॉस सेक्शनल, तो ये हो गया इसमें, इस पर नहीं निर्भर करता है ए। एक विद्युत रोम हीटर में तापन के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, प्रतिरोध तापन।
विद्युत पदार्थ अच्छे कुचालक होते हैं या अचालक होते हैं। शक्ति को परिभाषित किया जाता है शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय। अगला क्वेश्चन है वेस्टर्न कैडमियम सेल है, ये प्राथमिक सेल है। व्हीट स्टोन ब्रिज का परिपथ कब संतुलित होता है जब गैल्वेनोमीटर में से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो। 20 ओम प्रतिरोध में से धारा का मान क्या होगा। देखो यहाँ से गणना करके निकाला है 0.33 होगी 20 ओम की, और 10 ओम की देखना चाहिए तो 0.67 होगी, तो इसमें होगा 0.33 एम्पियर, सॉरी एम्पियर। निम्न में से किसका प्रतिरोध ऋणात्मक होता है। कार्बन का, कार्बन NTCA है। अगला क्वेश्चन है ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इसको हल करते हैं तो 5 ओम आ रहे हैं। अगला है मिट्टी में नमी की मात्रा धरती के मिट्टी के प्रतिरोध को कम करती है। ए कम। तीन कला जननेत्र के भूसंपर्क नहीं है तो एक कला में भूदोष घटित हो जाए तो अन्य लाइनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका जहाँ तक है अप्रभावित रहेगी। होटलों में लैन केबल के लिए कौन सी केबल प्रयोग करते हैं। UTP, अनशील्डेड ट्विज्ड पेयर इसका पूरा नाम है। तार कुंडली कार्य करती है विद्युत चुम्बक के तौर पर। अगला है सेतु दिष्ट कार्य में प्रतीप शिखर वोल्टता PIV का मान वोल्टती है मैक्सिमम यानी पीक वैल्यू के बराबर होती है तो वी मैक्सिमम या VM। ट्रांजिस्टर के किस क्षेत्र में एक खुले स्विच की तरह कार्य कर सकता है। अभी इनका कन्फर्म तो नहीं कह सकते जबकि यहाँ जहाँ तक होगा प्रतिलोम क्षेत्र होगा शायद। यदि फायरिंग कोण का बढ़ाते हैं तो SCR का औसत मान होगा घटेगा। देखो एवरेज मान बराबर होता है वी एवरेज अपॉन आर, जबकि वी एवरेज बराबर होता है वी मैक्सिमम बट्टा फाई वन प्लस कॉस एल्फा। कॉस एल्फा है फायरिंग कोण, तो इसे हम जो निकालते हैं देखते हैं तो ये आएगा घटेगा। अगला प्रश्न है एक सिलिकॉन दिष्टकारी यानी SCR में 4 सतह तथा 3 PN जंक्शन होते हैं। उर्मी का गुणांक परिभाषित किया जा सकता है। उर्मी का गुणांक होता है प्रत्यावर्ती घटक का RMS मान बटा दिष्ट धारा। अगला है जेनर डायोड प्रयुक्त होता है नियंत्रक के रूप में रेगुलेटर के रूप में। एक डायोड की अगर विभवपात का मान होता है यदि जर्मेनियम है तो 0.3 होता है, सिलिकॉन है तो 0.7 होता है, तो इसमें जर्मे ऑप्शन और है ही नहीं, तो ये 0.7 वोल्ट है। शक्ति गुणांक मापक यंत्र में होता है पावर फैक्टर मीटर के अंदर एक करंट कॉइल होती है जिसको 2 भागों में बांटते हैं और 2 प्रेशर कॉइल होती है, तो एक धारा कुंडली तथा 2 विभव कुंडली। यदि एक विभव मापी को भार के श्रेणी में संयोजित किया जाता है तो यानी एक वोल्ट मीटर को भार के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो परिपथ में लगभग नगण्य धारा प्रवाहित होगी। मापक उपकरण के चलायमान पुर्जों को सहारा देने के लिए ज्वेलरी बियरिंग प्रयोग करते हैं। किस प्रकार के उपकरण में वायु घर्षण अवमंदन प्रयोग किया जाता है। चल लोहा यानी मोइंग आयरन मीटरों में। विद्युत क्षेत्र शक्ति की इकाई है वोल्ट प्रति मीटर। PMMC मीटर माप सकता है केवल DC राशियां यानी मोइंग कॉइल है तो मोइंग कॉइल केवल DC राशियां। एमीटर का आदर्श आंतरिक प्रतिरोध यदि आदर्श है तो उसका 0 होना चाहिए। मेगर को प्रयोग में लेते हैं कुचालक का प्रतिरोध मापने के लिए। एक तंतु लैंप में आर्गन गैस भरते हैं टंगस्टन तंतु के वाष्पीकरण को कम करने के लिए। कौन सा लैंप एक अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में सर्वाधिक उचित होता है। मेटल हैलाइट लैंप। नियॉन साइन लैंप का प्रयोग करते हैं विज्ञापन बोर्डों में। नियॉन संकेत के लिए हीलियम गैस का उपयोग लाल रंग के लिए प्रयोग करते हैं हीलियम गैस। दृश्य तरंग का पराश होता है यानी जो दृश्य तरंग होता है उसका वो तरंग धैर्य होता है 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर, तो इसमें 760 का ऑप्शन नहीं है, यही होगा फिर 380 नैनोमीटर से 740 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है वह जिला जहाँ सागवान के वन पाए जाते हैं। उदयपुर और डूंगरपुर। राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर में। राजस्थान का बरखोहैनान माउंट आबू। वाटर ब्रिड भरतपुर। जामरकोटड़ा रॉक फॉस्फेट के लिए जामरकोटड़ा ढाकन कोटड़ा नीमचमाता रॉक फॉस्फेट के लिए। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर। खारे पानी की झील नहीं है आना सागर। जाकम परियोजना प्रतापगढ़ में है। गुनीशी पशु जनगणना 2012 में हुई। किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को दूषित नहीं करता है। सोलर। यह इसका पर्यायवाची दे रखा है सौर्य।
अगला, राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मरुस्थलीय मिट्टी। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी चंबल नदी। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा है? यानी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दो ही जिलों की लग रही है, एक तो गंगानगर और एक बाड़मेर, तो इसमें हो गया बाड़मेर। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? राजस्थान की जीवन रेखा अरावली पर्वतमाला। कौन सा युग में सुमेलित सही? सुमेलित नहीं है, बनास सही है, बाणगंगा बैरठ से सही है, कांतली कंडेला सही है, तो ये कांकनी नदी है, ये जैसलमेर के तारागढ़ से नहीं निकलती है, तो ये हो गया डी। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रतिमा रणकपुर के चौमुखा मंदिर में प्रतिष्ठित है? आदिनाथ की। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण महाराजा राय सिंह ने, महाराजा राय सिंह ने। जालरापाटन में सूर्य मंदिर की विशेषता है सातरत। राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला? कमला बेनीवाल। राजस्थान की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया? शोभा राम को। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया विजय सिंह पथिक ने? 1817-18 के दौरान प्रथम रियासत अंग्रेजों से संधि की करौली, यानी सबसे प्रथम करौली ने और सबसे अंत में 1823 में सिरोही ने की थी। जमनलाल बजाज व कपूरचंद पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए? जयपुर प्रजामंडल। प्रोपकारिणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। गैप सागर, गैप सागर डूंगरपुर में है। राम सनेह संप्रदाय के संस्थापक रामचरण के गुरु कृपाराम। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 मार्च को। रावण हत्या एक वाद्य यंत्र है, नेवरी आभूषण गर्दन में पहना जाता है। अगला है, मिट्टी जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में मिलती है? रेतीली मिट्टी। राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है? सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। यहाँ पर खस घास ज़्यादातर पाई जाती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे वालरा। लोणकरण सर लिप्ट नहर का दूसरा नाम है कवरसेन। कौन सा राष्ट्रीय राज कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है? जयपुर। मंगलम भाग्यम और ऐश्वर्यम बाड़मेर के तेल कुओं का नाम है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भीमसागर झालावाड़ में सही है, जवाई बांध पाली में सही है, पार्वती बांध ये करौली में, भीलवाड़ा नहीं ये गलत है, और जाखम बांध प्रतापगढ़ में सही है, तो नहीं है, तो ये हो गया सी पार्वती बांध। राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में है, ये पिछली जो इलेक्ट्रिशियन एग्जाम में भी पूछा था उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित पूछे थे, सबसे ज़्यादा प्रभावित है अलवर और भरतपुर, और इसमें हो गया फिर गंगानगर और हनुमानगढ़, इसमें न्यूनतम प्रभावित क्षेत्र है तो गंगानगर और हनुमानगढ़। अगला, राजस्थान राज्य पथ परिवहन की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की थी? तो 1964। पंचबद्रा नमक के लिए प्रसिद्ध है। अगला, मेवाती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अलवर और भरतपुर में। पिचवाई रासलीला, कृष्ण की लीला अंकित है, तो रासलीला। राजस्थान के ब्लू पार्टी का संबंध जयपुर से नारायण दादू पंत के लिए जाना जाता है। कौन सा सुदर्शनगढ़ का नाम है, यानी नाहरगढ़ का ही दूसरा नाम है सुदर्शनगढ़। जोगी महल कहाँ स्थित है? जोगी महल रणथंभौर में। अकबर ने चित्तौड़ पर कब कब्जा किया? 25 फरवरी 1568 को। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन है? सोमेश्वर। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कांटली। अकबर ने चित्तौड़ की विजय के उपरांत कौन से सिक्के चलाए? सिक्के सिक्का एलची। दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन है ये जो टेक्निकल वाले ये अपने नोट्स में से लगभग 70-75% नोट्स में मिल जाएंगे, उनमें से कुछ एक दो मैं आपको देखो डेमो के तौर पर दिखाता हूँ। ये अपने नोट्स है, खुद मैंने स्वयं नहीं बनाए हैं, इनमें देखो एक दो प्रश्न का मैं डेमो के तौर पर दिखाता हूँ। जैसे एक था वो स्टार से डेल्टा वाला, वो एक ओम उतर आ रहा था, तो ये मैंने दोनों डाल के स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करते हैं, तो ये फॉर्मूला है, एक उदाहरण यहाँ पे देखो बना रखा है मैंने। ये क्वेश्चन वो था 180 डिग्री वाला ट्रांसफार्मर में, तो मैंने यहाँ आरेख सही से समझा रखा है 180 डिग्री वाला, ये आरेख भी बना रखा है किस प्रकार से होता है। एक था वो बैक टू बैक परीक्षण वाला, ये रहा देखो बैक टू बैक परीक्षण या स्पिनल परीक्षण, इसमें वो अधिकतम विनिमय और दक्षता की जांच कर सकते हैं। एक वो स्टार स्टार और डेल्टा स्टार स्टार वाला था, वो 0 डिग्री वाला, ये रहा स्टार स्टार संयोजन में 0 डिग्री। एक वो फ्यूल गैस का था, तो फ्यूल गैस वाला देखो इसमें ये लेकर का मितव्योजक है, वायु पूर्व प्रतितापक पूर्वतापक है और सुपर हीटर ये अतितापक, इन तीनों में ही फ्यूल गैस काम आती है। देखो फ्यूल गैस का कुछ भाग इसमें भी लिख रखा होगा, दहन के बाद गैस ऊष्मा को उत्पन्न करती है, और इसमें भी लिख रखा है फ्यूल गैस का।
एक वो मोनोक्रिएटिव प्रकाश एक देता है, वो सोडियम हाइपरलैम्बियरा एक मोनोक्रिएटिव प्रकाश उत्पन्न करता है। तो जो भी दोस्तों, इन नोट्स में से लगभग 70-75% के आसपास क्वेश्चन इस पेपर में मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने दो चार डेमो के तौर पर दिया। धन्यवाद दोस्तों।